लाइक सब्सक्राइब हाय एवरीवन वेलकम टू अचीवमेंट माइंड पॉवर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टुडे इन अवर सेशन वीर डिस्कसिंग अबाउट हिंदी व्याकरण हिंदी व्याकरण में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो जिन्होंने अभी तक गेस नहीं कर पाए जल्द से जल्द कमेंट सेशन में गेस करके बताइए कि आज के सेशन में हम क्या बताने वाले हैं जो हमारे सेशन में न्यू है वो हमारे सेशन को लाइक सब्सक्राइब हिट बेल आइकन करते चलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट अब तक मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट अब जब भी हमें एक न्यू सेशन यानी कि जो भी टी डेट टी आर टी के रिजल्ट रिलेटेड हम प्रिपरेशन यहाँ पर करा रहे हैं तो अपडेट्स हम यहाँ पर आपके सामने ला रहे हैं तो इन सभी से आप यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन जान सके तो आपको यहाँ पर करना होगा हिट द लाइक लैकऑन करने से आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जिससे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट की है जो कि थर्टी डेज क्रैश कोर्स होगी पेपर वन की कम्प्लीट पर टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा पेपर टू के सेलेक्टेड टॉपिक्स पर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा बैलैंग एक्सप्लेनेशन होगी प्री रिकॉर्डिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे आपके फ्लेक्सिबल टाइम के साथ टारगेट हंड्रेड परसेंट है हर आप जल्द से जल्द कर दीजिएगा फॉर मोर डिटेल्स लिए आपको यहाँ पर जो हमारा टेलीग्राम है यहाँ पर स्पेशल टेलीग्राम है जो सब्सक्रिप्शन वालों के लिए टेलीग्राम हमने ऑन की है यहाँ पर फर्स्ट बैच यहाँ पर शुरू हो चुका है फिफ्थ से शुरू हो चुका है अब नेक्स्ट बैच सेकेंड मैच जो है वो टेंथ से स्टार्ट होने वाली है जिनको भी मोर डिटेल्स चाहिए वो इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर स्पेशल सब्सक्रिप्शन वाली टेलीग्राम चैनल पर जाकर मैसेज करके सारी इंफॉर्मेशन जान सकते हैं तो आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है व्याकरण में कारक कारक किसे कहते हैं कारक है हमारा टॉपिक कारक किसे कहते हैं व्हाट इज द कारक इन हिंदी ग्रामर कारक के पेद टाइप्स ऑफ कारक कारक के चिन्ह सिंबल ऑफ कारक ये सभी आज हम के आज के सेशन में हम जानने वाले हैं तो सेशन शायद लॉन्ग होगा लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट सारा आपको समझ आए इस प्रकार से चलेंगे कारक कारक की परिभाषा डेफिनेशन क्या है देखते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य में अन्य विषयों से क्रिया से साथ होता है कारक कहलाता है हमने ऑलरेडी आपसे कह दिया है कि नॉन प्रेनौन कारक जो है ये कारक जो है नॉन एंड प्रेना यानी कि संज्ञा संज्ञा सर्वनाम सर्वनाम के साथ जो संबंध जोड़कर वाक्य बनता है एक वाक्य बनता है जब से हम सेंटेंस जब भी सेंटेंस बनाते हैं नाउन प्रेनाउन के साथ तब उसका संबंध सेंटेंस में क्रिया के साथ होता है कुछ न कुछ नॉन करता है यानी कि कर्ता कर्ता कुछ न कुछ कार्य करता है कार्य करने पर आपको यहाँ पर कुछ कार्य हम करता किसे कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम जो होगा जो भी नाम होगा नाम के बदले यूज़ किया जाएगा यहाँ वहाँ वे ये सभी संज्ञा सर्वनाम होगा जब कभी भी आप कर्ता के साथ वाक्य शुरू करेंगे कर्ता कुछ न कुछ काम करेगा कुछ न कुछ, कुछ बोलाएगा तो ये सभी क्रिया हो जाएगी क्रिया के साथ कर्ता क्रिया के साथ जो ग्रामर पार्ट को हम यहाँ पर दोनों को जोड़े रखता है ग्रामर पार्ट इसी को हम कारक कहते हैं कैसे जोड़ते हैं ये सभी हम देखेंगे आप कारक के कितने भेद होते हैं कारक के टाइप्स ऑफ कारक हिंदी व्याकरण में एक कारक के आठ भेद होते हैं आठ प्रकार के होते हैं कारक क्या है इधर देखते हैं कर्ता कारक जो कर्ता वे विभक्त चिन्ह से जाना जाता है कर्मा जो कु के विभक्त चिन्ह से जाना जाता है करण जो है कि से के द्वारा के चिन्ह से जोड़ा जाता है संप्रदान को के लिए हेतु नेचन कष्ट वस् वास्ते ये सभी चिन्हों से संप्रदान जोड़ा जाता है आपदन से यहाँ पर देखिए करण में से है आपदन में से है यहाँ पर हम यहाँ पर क्लियर करते चले यहाँ पर से जो है ये जोड़ने का काम करता है ये से ये से जो है अलग करने का काम करता है दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है सिंबल एक ये लेकिन वाक्य में यहाँ डिफ्रेंसीस हमें पता चलते ये कैसा पता चलेगा हम देखेंगे आगे विस्तार से संबंध का की केस अधिकारण का चिन्ह है में भीतर पर ऊपर संबोधन का चिन्ह है हो हो अरे हे रे ये सभी इनके चिन्ह हैं आठ कारक है आठ कारक के अपने अपने चिन्ह होते हैं यूज करने वाक्य में यूज करने के तो चलिए इन सभी को हम विस्तार से देखते हैं फर्स्ट है कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस जिसे क्रिया का करने का बोध होता है वह कारक कहलाता है कर्ता कारक कहलाता है यानी कि ये जो संज्ञा है सर्वनाम है इनके जो क्रिया करने का कार्य करने का बोध यहाँ पर कराता है उसी को हम क्या कहते हैं कर्ता कारक कहते हैं कर्ता कारक का चिन्ह क्या बताया था हमने ने बताया था तो वक् एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे विनय ने पुस्तक पढ़ा देखिए विनय यहाँ पर संज्ञा हो चुका है विनय यहाँ पर संज्ञा है ने यहाँ पर ता हो गया जो हमारा अभी जोड़ रहा है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं पुस्तक पढ़ रहा है देखिए ये पुस्तक पढ़ रहा है क्या कर रहा है पुस्तक पढ़ रहा है तो ये हो गया क्रिया अब देखिए संज्ञा के साथ ये जो क्रिया है इन दोनों को किसने जोड़ा है कर्ता ने जोड़ा है ने के द्वारा यहाँ पर वाक्य को हमने समझा है एक संपूर्ण वाक्य यहाँ पर पूरा हुआ है विनय ने पुस्तक पढ़ा है किसने पढ़ा है विनय ने ने पढ़ा है क्या पढ़ा है क्रिया पुस्तक पढ़ा है नेक्स्ट देख लेते हैं कार्य कर्म कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जिस शब्द क्रिया का प्रभाव सीधे रूप से पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं इसका विपत्ति जिन्हें क्या था बताया था हमने कु बताया था उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं देख देखिए राम ने असुर को मारा किसने मारा राम ने मारा देखिए यहाँ पर भी संज्ञा आ चुका है राम ने असुर को मारा किसने मारा राम ने मारा किसको मारा असुर को मारा ये जो असुर है ये एक हुआ घटना हुआ है जिस किसके द्वारा हुआ है ये संज्ञा के द्वारा हुआ है देखिए यहाँ पर जो कु है ये हमारा काम कर रहा है कर्म का असुर कु मारा किसको मारा असुर को मारा किसने मारा राम ने मारा सीधा प्रभाव यहाँ पर सीधे रूप से पड़ता है किसके पर क्रिया पर पड़ रहा है किसने किया राम ने किया किसको किया असुर को किया क्या किया मार डाला ये जो वाक्य कंप्लीट हुआ है विद द हेल्प ऑफ कर्म कारक इसी को हम कर्म कारक कहते हैं जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा कार्य हुआ है सीधा इसका फल किस पर पड़ा है राम पर पड़ा है तो इसी को हम कर्म कहते हैं नेक्स्ट करण कारक करण कारक किसी वाक्य में कर्ता जिस स्थान से क्रिया करता है या जिसके द्वारा कोई क्रिया पूरी की जाती है उसे करण कारक कहते हैं इसका विभक्ति जिन्हें क्या बताया था हमने से के द्वारा है यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं अध्यापक ने छात्र को डंडे से मारा देखिए यहाँ पर जो आ, क्रिया है जो संज्ञा है यहाँ पर संज्ञा है छात्र को दंड देने की बात की है यहाँ पर क्रिया हो रहा है किसे कारण ये जिसका प्रभाव क्रिया इसके किसके द्वारा किया गया है ये अध्यापक द्वारा किया गया है छात्र को यहाँ पर दंड मिली है जिसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है उसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं करण कारक कहते हैं कर्ता के कारण कर्ता के साधन से क्रिया करता है जिसके द्वारा कोई क्रिया पूरी की जाती है इस अध्यापक द्वारा यहाँ पर क्रिया पूरी हुई है इसी को हम करण कारक कहते हैं नेक्स्ट है संप्रदान कारक वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या जो कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं इसका विपक्त चिन्हों को ये को है चलिए देखते हैं परिवार को गिफ्ट लाओ यहाँ पर देखिए वाक्य में जो करता है जिसके लिए करता है किसके लिए करता है परिवार के लिए करता है किसके लिए कर रहा है कर्ता परिवार के लिए कर रहा है जो कुछ देने का काम करेगा उसे हम यहाँ पर संप्रदान कारक कहते हैं नेक्स्ट है हमारा आपदन कारक वाक्य में जब किसी संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से एक वस्तु या व्यक्ति व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग अलगाव हो या उनकी तुलना करने का भाव उत्पन्न हो उसे हम आपदन कारक कहते हैं यहाँ पर देखिए इसका विभक्ति चिन्ह हमने बताया था से देखिए यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरा देखें यहाँ पर हमने करण करण का करण का जो है इसका से हमने बताया था करण कारक का जो विभक्त चिन्ह हैं वो से हैं और आपदन कारक का भी सेम करण कारक यहाँ पर वाक्य को जोड़े रखता है वाक्य में जोड़ने का काम करता है और एक क्रिया के कर्ता के क्रिया को बताता है लेकिन यहाँ पर देखिए पेड़ जो है कर्ता पता क्या हो रहा है यहाँ से पेड़ से अलग हो रहा है हमने बताया था जब कभी वाक्य में अलग होगा अलग होगा तब उसे हम क्या कहते हैं उसे हम आपदन कारक कहते हैं पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है अलग होने का काम यहाँ बता रहा है तो इसे हम आपदन कारक कहते हैं नेक्स्ट है संबंध कारक जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम को हो उसे कारक कहते हैं जिसके विपक्ष चिन्ह हैं का की के रा री रे ना नी रे में भीतर पर का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर देखें यहाँ पर जो संबंध है एक से दूसरी संज्ञा को एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा को जो यहाँ पर जोड़ता है जिनका संबंध यहाँ पर बताता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं राम का भाई देखिए यहाँ पर राम संज्ञा है भाई भी यहाँ पर सर्वनाम है इन दोनों का रिलेशन यहाँ पर बता रहा है संबंध बता रहा है राम का भाई यहाँ पर संबंध बता रहा है इसे हम संबंध कारक कहते हैं जैसे अशोक का भाई सुशील परिश्रमी है यहाँ पर अशोक के भाई के बारे में बात किया जा रहा है वो किस प्रकार है सुशील और परिश्रमी है मेहनती है यहाँ पर जो अशोक के भाई का ये जो दोनों का संबंध बता रहा है का के द्वारा इसी को हम संबंध कारक कहते हैं कहाँ से जोड़ने पर इन दोनों का संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है नेक्स्ट है अधिकारण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकारण कहते हैं इसका विभक्ति चिन्ह क्या बताया था हमने पर भीतर ऊपर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है संज्ञा जो है संज्ञा के रूप क्रिया के आधार का बोध हो यानी कि टेबल पर ग्लास रखा है कि यहाँ पर रखा है टेबल पर रखा गया है यहाँ पर अधिकार बताया जा रहा है कि संज्ञा जिस रूप क्रिया कर रहा है उसका आधारपूत उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है इंफॉर्मेशन दी जा रही है टेबल यहाँ पर संज्ञा है ग्लास भी यहाँ पर संज्ञा है कहाँ पर है ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है जब कभी भी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन की बात होती है यहाँ है वहाँ है उस तरफ रखा गया है वहाँ पर रखा गया है इस प्रकार जिस प्रकार डायरेक्शंस या सुझाव या एक प्रकार का इंफॉर्मेशन देता है उसे हम अधिकारण कारक कहते हैं नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक जिस शब्द से किसी को पुकारना संबोधन का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं जिसमें विभक्त चिन्हों हो को अजी अरे ये रे का प्रयोग होता है जैसे एग्जाम्पल के दौरान हम यहाँ पर देखते हैं देखें हम जब कभी भी एक मुश्किल वक्त हो या कुछ ऐसा वक्त हो हम कुछ ना कुछ एक सेंटेंस एक्स्ट्रा निकालते हैं हे प्रभु मुझ पर कृपा करो देखें ये एक सैडनेस सेंटेंस है यहाँ पर देखें हम किसको बुला रहे हैं किस प्रकार बुला रहे हैं हम गॉड को बुला रहे हैं लेकिन यहाँ पर एक दुख अवस्था में हम उसे किस प्रकार पुकार हैं हे प्रभु ये क्या हो गया है हे प्रभु हमें माफ़ करो हे प्रभु हमें प्रधान करो ऐसे कुछ हम यहाँ पर जो वर्ड्स हम यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज करते हैं नॉन प्रनाउन के अलावा हम कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे कि हम यहाँ पर हाय राम एक क्या हो गया हाय राम ये क्या हो गया इस प्रकार के जो हम एक्स्ट्रा वर्ड्स निकालते हैं इन्हीं को हम संबोधन कारक कहते हैं किसी संबोध द्वारा हम यहाँ पर उन्हें पुकारते हैं अजी यहाँ पर हिंदी में जो मुस्लिम्स है ये अपने हस्बेंड्स को इस प्रकार पुकारते हैं क्योंकि ये नेम से नहीं पुकारते हैं तब ये इस प्रकार उनके अलग एक दूसरा अनधन नेम के साथ उन्हें पुकारा जाता है तो इस प्रकार जो नेम के अलावा या किसी ऐसे वर्ड से हम यहाँ पर पुकारते हैं उन्हें हम संबोधन कारक कहते हैं और यहाँ पर आपको एक अच्छी टिप यहाँ पर बताते चलो जब भी भी संबोधन कारक आएगा तब आपको यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देगा जिसे आप यहाँ पर इजी से गेस कर सकते हैं संबोधन कारक तो ये रहे हमारे कुछ आट कारक। हमने फिर बता देते हैं ये हमारे क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है पेपर वन का कंप्लीट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा पेपर टू सेलेक्टेड टॉपिक्स पर डिस्कस वेलिंग होगा प्री रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी आपके फ्लेक्सिबल टाइम पर आपको क्या करना होगा टेलीग्राम चैनल सब्सक्रिप्शन का जो दूसरा टेलीग्राम चैनल है आपको उस पर ज्वाइन करनी है एंड अपने सब्सक्रिप्शन लेनी है सब्सक्रिप्शन के सारे डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे आपको सब्सक्राइब हिट आइकॉन जरूर कर दिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप अप तक पहुँचती रहे एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि हम आपको अच्छी क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन ले आएँ तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ते हैं आंटी देन कीप्स बाय बाय